जय हिंद साथियों, मैं मित्रक वंशी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ वालों के लिए जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप एमपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। आज हम बात करेंगे, सारी चीज़ें बिल्कुल रोड मैप की तरीके से समझेंगे। पहले उनके बारे में समझ लेते हैं कि देखो, अपन नवंबर के लास्ट में चल रहे हैं, अब अपने पास सिर्फ दो ही महीने हैं, दिसंबर और जनवरी। फरवरी लास्ट में और मार्च के स्टार्टिंग में आपके पेपर होना शुरू हो जाता है। अगर अभी कुछ करना है तो सिर्फ ये दो महीने हैं जिनमें आप कुछ कर सकते हैं, बड़ा और अच्छे से कुछ पा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद सिर्फ आपके पास में सोचने के अलावा कुछ नहीं रहने वाला। सिर्फ आप सोचते रह जाएंगे कि अगर मैं ट्वेल्थ क्लास में थोड़ा सा और पढ़ लेता, थोड़ी सी मेहनत और कर लेता तो हो सकता है कि मैं इतने नंबर या इतनी परसेंट और इंक्रीज कर लेता, ठीक है ना। लेकिन अभी गिल्टी करने से, बाद में गिल्टी करने से अच्छा है कि अभी थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर ली जाए, ठीक है ना। तो मैं ये आपको और YouTube पे आपको वीडियो भरी पड़ी मिल जाएंगी, उनके जैसे बिल्कुल नहीं बताने वाला कि आप उठाइए NCERT उठाइए, ये वे क्वेश्चन उठाइए और लगाते रहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। अपन बिल्कुल रोड मैप से, और मैंने अपने जीवन में इनका यूज़ किया है, उसी के बाद हम ये चीज़ें करने वाले हैं। उससे पहले मैं कभी भी फालतू की डायरेक्ट कोई चीज़ लेके नहीं आता, पहले रिसर्च करता हूँ, जानता हूँ, समझता हूँ, उसी के बाद आपके पास ये वीडियो लेके आता हूँ, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। देखो, रोड मैप से हम समझने वाले हैं कि अपने पास सिर्फ दो महीने बचे हैं, और आपको पता है ट्वेल्थ क्लास में सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अगर वैसे अगर अपने ईमानदारी से पढ़ाई की है तो आपका 50-75% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर इससे कम आपका सिलेबस अभी तक हुआ है तो समझ लो कि आपने बहुत ज़्यादा मक्कारी इस बार मारी है। ये सीरियस और सही बात बोल रहा हूँ मैं, ये मत बोलना कि भैया डायरेक्ट मुंह पे बोल रहा है, मैं तो ऐसे ही बोलूँगा, भाई तूने मक्कारी मारी है तो सुनना पड़ेगा। लेकिन अब तेरे पास दो महीने ऐसे हैं कि अपनी गलती तू सुधार सकता है, क्योंकि लास्ट में सब परसेंट पूछते हैं, ये कोई नहीं पूछता कि तूने साल भर मेहनत की थी या दो महीने मेहनत की थी, कोई नहीं पूछता, ठीक है। तो अपन इन दो महीनों में अपना 100% देकर कैसे एफर्ट लगाकर कंप्लीट कर सकते हैं और कैसे अपनी परसेंट यहाँ से इसके और इसके करीब ले जा सकते हैं, ठीक है। 80-90% अगर आप ले जाना चाहते हैं अपनी परसेंट, तो आराम से ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको समझना पड़ेगा कि देखो, अपने पास अब दो महीने बचे हैं और दोनों महीनों में इतना टाइम बिल्कुल नहीं है कि अपन पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकें, ठीक है ना। इसलिए अब सिलेबस के पीछे भागना बंद कर दो। अब आपको सिर्फ दो चीज़ों के पीछे भागना है। पहली जो चीज़ है वो है PYQ, दूसरी चीज़ है BBI, ठीक है। ये दोनों नाम आपने पहले सुन रखे होंगे, आपसे बहुत सारे लोगों ने इनके बारे में बोला होगा कि PYQ कर लो, BBI कर लो, आपका पूरा काम हो जाएगा, ठीक है ना। इनके पीछे का लॉजिक समझेंगे अपन। देखो, PYQ के पीछे का लॉजिक क्या है कि मैंने अभी 2018 के बाद, 18 से पहले का क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपकी जो एमपी बोर्ड में NCERT आई है वो 2018 के बाद आई है, उससे पहले स्टेट बोर्ड की बुक चलती थी, तो वो अपने काम का सिलेबस नहीं रहा, ठीक है ना। तो मैंने अभी देखा है 19, फिर 20, उसके बाद 21, 21 में आपका ओपन बुक हुआ था, फिर 2022, इस चार साल के PYQ मैंने देखे हैं और इनको मैच किया है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन के रिपीट हुए हैं। इतना लगभग ये मान लो आपकी 50-60%, और मैं बोलूँगा कि 70% ही मान लो आप PYQ से आ जाएं। 2022 का पेपर उठा के देखना आप, इन तीनों सालों से लगभग 60-70% 2022 में आया है, इसी साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इन चारों सालों में अगर आप अच्छे तरीके से करते हो तो लगभग 70% आने का चांस 2023 में रहेगा। तो आपको सबसे पहले बिल्कुल चैप्टर वाइज PYQ लगाने, सबसे पहले चैप्टर वाइज लगाना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, चैप्टर वाइज लगाना है, ठीक है। चैप्टर वाइज इनको कंप्लीट करना है, पूरे चैप्टर्स के PYQ लगा लेने, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि उसके बाद क्या करना है। पहले चैप्टर वाइज क्या करोगे आप, PYQ करोगे प्रत्येक सब्जेक्ट के, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, जो भी है, ठीक है ना। उसमें इंग्लिश, हिंदी आपके इंक्लूड रहते हैं, उनको करना है कंप्लीट। सारे PYQ आपको लगा लेने, उनके नोट्स बनाना है। मतलब ऐसा नहीं लगाना कि लेके आए मार्केट से, अपन PYQ की बुक ले आए या किसी
साइट से PDF वगैरह डाउनलोड कर ली, कुछ भी कर लिया और उनको रपे कर रहे हैं और भूल गए। ऐसा नहीं करना है, इनके नोट्स के मतलब एक अच्छी सी कॉपी बनानी है, प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर 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 करके उस कॉपी में रखना है। जैसे अपन लास्ट में 15 दिन या जो छुट्टियां मिलती हैं अपन को उस एग्ज़ाम की, तो उनमें अपन को उनको देखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो। तो इनके नोट्स टाइप के बनाने हैं आपको, क्या करना है, नोट बनाने हैं, ठीक है ना, जब भी काम बनेगा सही तरीके से। ये दो काम आपको करने हैं, PYQs चैप्टर वाइज सॉल्व करना है, सारों के नोट बना लेने हैं। उसके बाद चलेंगे अपन BBI पे। अब आप बोलोगे कि सर भैया ये BBI क्या चीज़ है, तो BBI ये है कि देखो BBI आपको मिल सकते हैं 3 सोर्स से। पहला सोर्स जो है वो आपका जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वो ट्यूशन टीचर होता है, उससे ले सकते हैं आप, अगर वो सही है तो। मैं बताऊँगा कि इनको चेक कैसे करना है। दूसरा काम क्या कर सकते हो आप, स्कूल में जो टीचर होते हैं वो भी प्रोवाइड करवाते हैं, उनसे भी ले सकते हो, उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। अगर आप एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर से अगर आप लेते हो और अगर वो सही तरीके से शिक्षक है, कंटेंट अपडेटर है, मतलब समझते हैं चीज़ों को, अगर उनसे लेते हो तो उनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सही रहेंगे, क्योंकि उनके पास नॉलेज रहती है, एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है ना। और तीसरा सोर्स मैं बता रहा हूँ, तीसरा सोर्स आपकी PYQ है। देखो PYQ क्या करोगे आप, PYQ में जो क्वेश्चन रहेगा, मान के चलो आपने मैथ लिया, मैथ के PYQ लगाए, पहले चैप्टर के लगाए, अब पहले चैप्टर के आपने एक क्वेश्चन लगाया उसी टाइप के, 5 क्वेश्चन BBI में लगा लो, एक क्वेश्चन PYQ में हो गया, उसी टाइप के 5 क्वेश्चन BBI में लगा लो और उनको सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो ये मान लो कि अगर क्वेश्चन आया तो बाहर जाने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बहुत शानदार तरीका है BBI चुनने का, ये कि PYQ है, PYQ लो, उनको लेको और अपने ब्लूप्रिंट से मैच करो, ठीक है। ब्लूप्रिंट से कैसे मैच करना है कि मान के चलो 2019 में लगभग कोई क्वेश्चन 4 नंबर का आया होगा जिस चैप्टर से, अब उस चैप्टर से उन्होंने ब्लूप्रिंट में बोला है कि इससे 2 नंबर का आने वाला है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, क्वेश्चन देखोगे, ठीक है, लेकिन स्टेप कम करने की कोशिश करो। जैसे आपका कोई आर्ट्स है, साइंस है, केमिस्ट्री है, कोई भी है, तो उसमें क्या करोगे, जैसे आपका 10 लाइन का क्वेश्चन था या 15 लाइन का क्वेश्चन था, तो उसको आप 7 से 8 लाइन में करने की कोशिश करोगे, आधा कर दोगे, समझ गए। मैथ्स में ऐसा नहीं होता, लेकिन मैथ्स में ये होता है कि कभी कभार हमको बहुत सारी प्रोसेस लिखनी पड़ती है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, कम प्रोसेस हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। या फिर उसके छोटे टाइप के क्वेश्चन जो आएंगे वो देख लो आप, ठीक है ना। उस टाइप से BBI देखना है, ब्लू प्रिंट को आधार बना के, ऐसे नहीं करना है कि कहीं से भी कर लो। और मैं आपसे बोलूँगा कि ये सारी चीज़ें ब्लू प्रिंट के आधार पर आप करो तो NCERT बुक से करना, ठीक है ना, इनसे मत करना। जो अदर बुक्स आती हैं आपकी, RD शर्मा जो भी आती हैं, उनका मैं भरोसा नहीं करता, क्योंकि इनके चांस जो पेपर में लास्ट में आने के चांस रहते हैं वो NCERT से ज़्यादा रहता है। और NCERT में अगर आप करोगे ना तो मेरे हिसाब से एग्जाम्पल करना, ठीक है, जो उदाहरण आपके दिए होते हैं ना बुक में उनको करने की कोशिश करना, उनमें से एक भी छोड़ने की कोशिश मत करना कि एक भी छोड़ दूं मैं, क्योंकि उनका आने का लगभग 50 से 60% चांस होने का रहता है भैया आने का, समझ रहे हो बात को। तो 50 से 60% चांस उनके हैं आने के एग्जाम्पल्स के, तो उनको अच्छी तरीके से कर लेना है, समझ गए। तो आपको देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको PYQ लगाने, PYB कंप्लीट होने के बाद BBI पे जाना है। पहले मत चले जाना कि मैंने एक चैप्टर की PYQ कर ली, अब मुझे BBI लगाना है, तो एक ही चैप्टर में बीते रह जाओगे। सबसे पहले करना है PYQ के द्वारा सिलेबस हाथ में लेना है, कंप्लीट कर लेना है कि कम से कम 60% या 70% तो मेरे हाथ में रहे, ठीक है ना। अगर आप इन दोनों चीज़ों को कर लोगे, PYQ प्लस BBI, तो ये दोनों मिलेंगे आपका बना देंगे 80% से 90% पेपर में, इतना बना देंगे ये मान लो आप, 80 से 90% बना देंगे, ठीक है। अब 10% की आप बोलोगे कि भैया ठीक है 10% कहाँ से आएगा, तो पहली बात तो आप इतना ले आओगे तो दिल आपका खुश हो जाएगा, नहीं हो रहा है 10% का ही बता देता हूँ, इतना पढ़ लो ये 10% अपने आप सॉल्व होगा आपका। मैथ में अगर आपने इतना पढ़ लिया तो मैथ में आप पूरा कंप्लीट करके आओगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट कोई सा रहेगा ही नहीं भैया, कोई सा कॉन्सेप्ट टूटेगा ही नहीं, क्योंकि बोर्ड हर टाइप के क्वेश्चन पूछ चुका है, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुका है। और मैं ये बोलता हूँ कि बोर्ड खुद आपसे बोलता है कि PYQ पढ़ो, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि सरकार खुद नहीं चाहती उनके स्टेट का रिजल्ट खराब हो, इसलिए क्वेश्चन अधिक से अधिक PYQ से फंसते हैं
और खुद गवर्नमेंट, मैंने बहुत सारे बोर्ड के जो टीचर्स अधिकारी हैं या टॉपर्स हैं उनसे बात की है, सब बताते हैं कि आपको PYQ सबसे पहले करने हैं। ठीक है, अब पूरा सिलेबस पढ़ने का टाइम नहीं है, इतना कर लेना है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, अब आपको करना है मैथ, अगर आपका मैथ है, केमिस्ट्री, देखो साइंस फील्ड वालों के द्वारा मैं समझने की कोशिश कर रहा है, आपका सब्जेक्ट अगर कॉमर्स है, आर्ट्स है, AG है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अपन ले सकते हैं फिजिक्स, फिजिक्स ले लो, बायो अगर आपकी है तो बायो ले सकते हैं आप, और साथ में हिंदी इंग्लिश आपके रहने वाले हैं, कोई सा भी रहेगा हिंदी इंग्लिश तो रहने वाला है। ठीक है, अब इनमें उठाना है आपको कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट अच्छा है, जैसे आपका देखो हिंदी में, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसकी अच्छी तरीके से तैयारी करनी, क्योंकि सब्जेक्ट बाय परसेंट कम हो सकती है लेकिन जो ओवरऑल परसेंट आएगी ना वो सभी मेरे को मिला के आने वाली है। तो ये कि हिंदी है, मैथ है, इंग्लिश है, ये सब्जेक्ट क्या होते हैं जो आपके इंटरेस्ट के रहते हैं, इनसे नंबर नहीं कटने, जैसे मैथ से नंबर नहीं कटते, हिंदी से बहुत कम नंबर कटते हैं हिंदी मीडियम के अगर आप हैं तो, आपके नंबर यहाँ कटते हैं। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से फोकस कर लेना, इंग्लिश में आराम से परसेंट बना सकते हैं आप, क्या करोगे PYQ के हिसाब से अपने ऐसे उठाओगे, अपने लेटर उठाओगे, अपने PYQ के हिसाब से ही क्वेश्चन उठाओगे, उनके सारे जो ग्रामर्स का पोर्शन है वो भी PYQ के हिसाब से उठाओगे, तो आपका काम हो जाएगा, अनसीन पैसे जाएगा, मतलब इसमें फ्री के नंबर बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो क्या रहता है हमको डर रखता है हम हिंदी मीडियम के हैं तो। ठीक है ना, बाकी इसमें आराम से बहुत शानदार तरीके से आदमी 60-70% ले जाता है, मतलब नंबर ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 70 इसमें ले आए तो नंबर यहाँ खींचने की कोशिश करो, यहाँ आराम से 90 जाएंगे आपके, 90+95 ही मान लो कि है, नंबर नहीं कटेंगे। दूसरा अगर आप मैथ में हैं तो मैथ में भी इतना ही ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये आपको सब्जेक्ट के हिसाब से करना है। अब ये मत बोलना कि भाई आपने तो इतना बता दिया, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, मैंने ये बताया, ये कर लो, उसके बाद अपन मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, इतना करना, उसके बाद अपन मॉडल पेपर के ऊपर बात करने वाले हैं दिसंबर में, अभी दिसंबर तक इनको शुरू कर दो। ठीक है, मॉडल पेपर के ऊपर जो बात करेंगे ना अपन, तो उसमें बता दूंगा मैं आपको कैसे, आपको इतना ही आएगा, दिक्कत नहीं आएगी कहीं से कहीं तक। ठीक है, ये सब कर लो। अब ये रहेगा कि अगर आपको PYQ PDF में चाहिए तो PDF में भी आपको मिल जाएंगे, एक वेबसाइट है, मैं उसका नाम आपको बता देता हूँ, MP Online, नहीं तो आप परीक्षा बोध ले सकते हैं, परीक्षा बोध और भी सारी सीरीज चलती हैं, उनमें क्या रहता है डेट आपकी डेली रहती है, तो उसके हिसाब से आप PYQ चुन सकते हैं, उठा सकते हैं। सबसे ज़्यादा आसान तरीके से जो आपको उपलब्ध हो जाएंगी मार्केट में वो आपकी परीक्षा बोध हैं, आराम से उपलब्ध हो जाएंगी। उसके बाद आप ट्यूशन टीचर से भी ले सकते हैं, वो नोट्स बना के रखे होंगे इन चीज़ों का, वो भी सॉल्व करवा सकते हैं, और इनको अगर सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है आपको तो आप खुद से करने की कोशिश करो, अगर नहीं होता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं आपको करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपना ये मान लो कि एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म करवा देंगे PYQ का, ठीक है ना, कितने से चैप्टर हैं अपने, ज़्यादा से ज़्यादा अपन 15 दिन या 18 से 19 दिन 20 दिन ज़्यादा इसमें लगने वाले हैं, इतना टाइम से लगने वाला है तो PYQ निपटा देंगे। अगर आप इसमें कमेंट करते हैं अच्छे ज़्यादा, इस वीडियो को शेयर करते हैं अपने क्लासमेट के साथ, सबको चीज़ें समझ में आती हैं, अच्छा लगता है, अगर वो चाहते हैं कि मैं PYQ करवाऊँ तो आपको सारा चीज़ें करवा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो लगे रहिए इन चीज़ों में, मैं आपसे यही बोलूँगा कि पूरे सिलेबस को कम्प्लीट करने के पीछे मत भागो, अपने पास वो टाइम नहीं है भाई, इतना कर लो, आपकी परसेंट आपके हाथ में रहेगी, कहीं नहीं जाने वाली। ठीक है ना, मैं ना अपना खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, और जो भी आपको समझ में आ जाए जैसा बता देना, और अपने जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना मुझे, और इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इसमें लेके आने वाला हूँ। इसके बाद अगर आपकी 12th कम्प्लीट हो गई तो 12th के बाद हम करियर ऑप्शन के बारे में भी बात करते हैं कि 12th के बाद क्या फील्ड हैं जिनको चुन सकते हैं अपन, तो उनके बारे में मैं भी अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने क्लासमेट स्कूलमेट के साथ इसको शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।